छात्रों, आज के इस लेसन में अपन लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आय के आप लोगों को ये बताया था, इनकम टैक्स में अपने को आय की गणना करनी और वो आय अलग अलग शीर्षकों से होती हुई आएगी। आय के पांच शीर्षक हैं, जिसमें पहला अपन ने देखा वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन शीर्षक की आय, और सेकंड नंबर पर आता है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से आशय तो मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत अपने को यहाँ पर करदाता के ऐसे मकान एवं उस मकान से लगी हुई भूमि है उसका फिर वार्षिक मूल्य निकाला जाता है, उसके ऊपर कर लगाया जाता है जिसका वो स्वामी हो, परंतु जिसका प्रयोग वह अपने व्यापार और पेशे के लिए न करता हो, जिसके लाभों पर कर लगता हो। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों के अर्थ अपने को देखने हैं जो इस तरह से हैं। सबसे पहले मकान एवं उनसे लगी हुई भूमि। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत केवल मकान संपत्ति की आय पर ही कर नहीं लगाया जाता, परंतु उस जमीन की आय पर भी इस शीर्षक के अंतर्गत कर लगाया जाता है जो किसी मकान से लगी हुई हो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, वार्षिक मूल्य बहुत इम्पोर्टेंट है। मकान संपत्ति से आय की गणना करेंगे तो अपने को सबसे पहले मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य चाहिए, क्योंकि वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है। वार्षिक मूल्य की गणना कैसे करें ये आगे चल के चैप्टर में अपन डिटेल में देखेंगे। फिलहाल केवल अपन ने इससे परिचय प्राप्त किया है कि मकान का वार्षिक मूल्य अपने को चाहिए जिसकी गणना करनी पड़ेगी। तीसरा इसमें पॉइंट होता है, महत्वपूर्ण है, मकान संपत्ति की आय को कर योग्य करने के लिए करदाता उस मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, ओनर होना चाहिए मकान संपत्ति का। अगर वो स्वामी है तो उसकी आय, मकान संपत्ति की आय उसकी आय में शामिल की जाएगी। फिर उसके बाद में मकान संपत्ति की आय के ऊपर कर लगाएं उसके लिए कुछ अन्य प्रावधान भी दे रखे हैं। जैसे मकान संपत्ति भारत में है तो कर योग्य है ही, विदेश में स्थित अगर मकान संपत्ति है तो उसके ऊपर भी मकान संपत्ति शीर्षक में कर लगेगा, लेकिन वो स्थिति तब आती है जब करदाता निवासी करदाता हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, किसी मकान संपत्ति के दो या दो से अधिक सहस्वामी होने पर। तो मकान संपत्ति की आय के लिए अगर दो स्वामी हैं और उनका हिस्सा स्पष्ट है, अलग अलग है, तो प्रत्येक का अलग अलग हिस्से की आय होगी, वो उन प्रत्येक के लिए कर योग्य होगी। फिर उसके बाद में अगली टर्म है उप किराएदार से प्राप्त किराया। कई बार मकान किराए पर दे दिया जाता है और फिर किराएदार किसी को उप किराए पर दे देता है, किराएदार ने फिर उस मकान को किराए पर उठा दिया, तो उसके लिए वो जो आय है वो मकान संपत्ति की आय नहीं है, क्योंकि वो मकान का स्वामी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। एक स्थिति बनती है मकान संपत्ति से प्राप्त मिश्रित किराया अथवा संयुक्त किराया। यदि कोई व्यक्ति अपना मकान किराए पर देने के साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं
जैसे बिजली, पानी, लिफ्ट आदि भी देता है। मकान किराए पर दिया और साथ में अन्य सुविधाएं भी दे दी। तो इन संयुक्त किराए में से सुविधाओं के मूल्य को कम कर दिया जाएगा तथा शेष राशि उस मकान के लिए प्राप्त किराया मानी जाएगी और सुविधाओं के लिए जो किराया मिल रहा है वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता है। एक फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, मशीन, प्लांट एवं फर्नीचर के साथ भवन को किराए पर देना, यानी भवन जो किराए पर दिया जा रहा है उसके साथ में उसमें मशीनें लगी हुई हैं, प्लांट लगा हुआ है, फर्नीचर लगा हुआ है, तो उन सबको साथ वो किराए पर देता है। तो वो मशीन और प्लांट को अलग से नहीं है, भवन के साथ ही किराए पर दिया जाना आवश्यक है क्योंकि वो सारी उस भवन में फिक्स्ड हैं मशीनें। ऐसी परिस्थिति में जो किराया प्राप्त होगा वो मकान संपत्ति की आय नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा। ये स्थिति क्या हुई कि मकान किराए पर दिया है लेकिन उसमें बिजनेस एक्टिविटी चलाई जाएंगी और उस मकान में प्लांट और फर्नीचर और मशीनें लगी हुई हैं। मकान किराए पर दिया, संयुक्त किराया मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मकान संपत्ति में वो आय न शामिल होकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल होंगी। फिर उसके बाद में ये कुछ मकान संपत्ति पर आय के संबंध में कुछ जो टर्म्स दे रखी थी उनका अपने खुलासा किया। उसके बाद में अगले हेडिंग में आता है मकान संपत्ति की कर मुक्त आय। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कर मुक्त आय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना है और वो आय में शामिल नहीं होनी है। अगर किसी भी आय के बारे में ये दे रखा है कि वो कर मुक्त है तो उसकी जानकारी अपने लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपन कहीं उसको कर योग्य न कर दें। कर मुक्त आय जो भी होगी उसके बारे में इनकम टैक्स में स्पष्ट दिया हुआ होता है कि ये कर मुक्त है, और कर मुक्त के बाद में जो बस्ती हैं वो सारी कर योग्य होती हैं। कर योग्य की कोई फाइनल लिस्ट नहीं है कि ये कर योग्य है। कर योग्य के लिए ये बताएंगे आपको, कहीं भी पढ़ने को ये मिलेगा कि कर योग्य वो हैं जो कर मुक्त नहीं है। तो आपको कर मुक्त देख लेनी है कि कर मुक्त कौन सी है। तो उसमें सबसे पहले दे रखा है कि कुछ आयें ऐसी हैं जो सकल कुल आय में सम्मिलित नहीं होती। जैसे नंबर 1 पॉइंट में इन्होंने दिया कृषि भूमि से लगा हुआ मकान की आय। कृषि भूमि की आय है वो आप जानते हैं कि कर मुक्त है, लेकिन कृषि भूमि से लगा हुआ मकान है कोई, या फार्म हाउस है, उसकी फार्म के ऊपर हाउस है, फार्म हाउस, तो उसकी आय सकल कुल आय में शामिल नहीं होती। फिर दूसरा पॉइंट, पूर्णतया धार्मिक अथवा पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित ट्रस्ट की मकान संपत्ति से आय। जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए कोई ट्रस्ट की स्थापना की गई है उसकी मकान संपत्ति से आय होती है तो वो कर मुक्त है। फिर करदाता द्वारा अपने व्यापार और पेशे के लिए प्रयोग में की गई मकान संपत्ति की अनुमानित आय। यदि करदाता किसी मकान को अपने बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार और पेशे के लिए काम में लेता है तो ऐसी परिस्थिति में वो आय उस मकान की आय यहाँ मकान संपत्ति की आय में शामिल नहीं होगी। नेक्स्ट, करदाता का कोई एक या दो मकान जिनका प्रयोग वो अपने निवास स्थान के लिए करता है, अपने रहने के लिए अगर वो यूज कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उसको भी सकल कुल आय में शामिल नहीं करते हैं। यदि किसी करदाता के पास अपने स्वयं के रहने का केवल एक या दो ही मकान हो और गत वर्ष में वो किसी अन्य स्थान पर व्यापार और पेशे की वजह से उनका उपयोग नहीं कर सके और दूसरे स्थान पर स्वयं का उसका मकान नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उसके उस मकान या मकानों की आय पर भी कर नहीं लगता, बशर्ते वो मकान किराए पर नहीं उठा दिए जाएं। इसी तरह से भूतपूर्व राजा या महाराजा के निवास के काम में आने वाला कोई एक महल
भी कर मुक्त है जो आय में शामिल नहीं करेंगे अपन। राजनीतिक दल की मकान संपत्ति से आय भी कर मुक्त है जो सकल कुल आय में शामिल नहीं करेंगे। ये कुछ प्रारंभिक बातों के बाद में अब अपन चलते हैं मकान संपत्ति की कर योग्य आय की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किसी भी मकान संपत्ति की कर योग्य आय की गणना करने के लिए पहले उस मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है। वार्षिक मूल्य का मतलब एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू उसकी निर्धारित की जाएगी तथा उसके बाद वार्षिक मूल्य में से इस शीर्षक की स्वीकृत कटौतियों को घटाकर मकान संपत्ति की कर योग्य आय ज्ञात की जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सबसे पहले अपन निर्धारित करेंगे मकान का वार्षिक मूल्य, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू में से कुछ ये कहते हैं स्वीकृत कटौतियां हैं, स्वीकृत जिनकी स्वीकृति दी गई है, कुछ छूटें मिलेंगी वार्षिक मूल्य में से, वो घटा देंगे और वो घटाने के बाद में कर योग्य आय की गणना। तो यानी दो स्टेप हो गए, पहला स्टेप मकान के वार्षिक मूल्य की गणना, वार्षिक मूल्य, और फिर उसमें से कटौतियां घटाना। तो फिर वार्षिक मूल्य की गणना अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अपन इसकी गणना कैसे करें ये अभी देखेंगे। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए मकान संपत्ति के निम्नलिखित वर्ग किए जा सकते हैं। जैसे पहला वर्ग एक अपन ने बना दिया मकान संपत्ति का, जो किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति है, ये पहला वर्ग है, यानी मकान संपत्ति किराए पर उठा दी गई। और इसके ए और बी दो पॉइंट और बना दिए। इसका पहला मेन पॉइंट एक, नंबर वन, किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति, इसके दो सब पॉइंट ए और बी। ए में है जो गत वर्ष में कभी भी खाली नहीं रही हो, किराए पर उठा दी और गत वर्ष में कभी भी खाली नहीं रही, पूरे साल किराए पर रही। बी पॉइंट में है जो कुछ अवधि के लिए अथवा संपूर्ण वर्ष के लिए गत वर्ष में खाली रही, किराए पर तो उठा रखी है लेकिन गत वर्ष में हो सकता है पूरे साल के लिए कोई किराएदार नहीं मिला हो, या हो सकता है कुछ अवधि के लिए वो खाली रह जाए या वैकेंट रह जाए। तो किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति की दो स्थितियां बन सकती हैं, या तो गत वर्ष में खाली ही नहीं रहे, या पूरे साल खाली रहे, या कुछ अवधि के लिए खाली रहे, ये ए और बी दो पॉइंट। तो ये इस तरह से ये पहला पॉइंट कंप्लीट होता है किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के संबंध में। दूसरा पॉइंट है व्यापारिक रहतीये के रूप में रखी गई मकान संपत्ति, व्यापारिक रहतीये, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखी गई मकान संपत्ति। ऐसी भी मकान संपत्ति हो सकती है जो कई लोग मकानों को बना के बेचते हैं या फ्लैट्स बना के बेचते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। वो फ्लैट्स या मकान जब तक नहीं बिकता है तो वो उसके लिए व्यापारिक रहतिया है। तो ये दूसरी कैटेगरी होगी व्यापारिक रहतिया या स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखी गई मकान संपत्ति। दो कैटेगरी हो गई मकानों की। तीसरी कैटेगरी, तीसरी है स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई मकान संपत्ति, स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई मकान संपत्ति। तीसरी कैटेगरी में ये है कि खुद के काम में लाई गई मकान संपत्ति। इसके ये कहते हैं तीन पॉइंट इसके भी हो सकते हैं। तो तीन पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में लाई गई संपत्ति के, उसमें पहला पॉइंट हो सकता है संपूर्ण वर्ष स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में लाई गई संपत्ति, पूरे साल स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में ली गई, ये तीसरे का पहला सब पॉइंट। दूसरा, स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई ऐसी मकान संपत्ति जो करदाता का रोजगार अन्य स्थान पर होने के कारण खाली रहे अथवा वास्तव में स्वयं के निवास के काम में नहीं है। पहली थी जो संपूर्ण वर्ष स्वयं के निवास के लिए काम में आ रही है, दूसरी कैटेगरी में स्वयं के निवास के लिए है वो, लेकिन गत वर्ष में वो
करदाता रोज़गार के संबंध में या व्यापार के संबंध में कहीं बाहर दूसरी जगह रहा हो और वो अपने स्वयं के जो निवास की मकान संपत्ति है उसको काम में नहीं ले पाया, ये दूसरा पॉइंट इसका सब पॉइंट। और तीसरा सब पॉइंट, कुछ अवधि के लिए संपत्ति किराए पर उठा दे और कुछ अवधि के लिए स्वयं के निवास के लिए प्रयोग करे। तो स्वयं के निवास के संबंध में तीन सब पॉइंट बनते हैं या तीन परिस्थितियां बनती हैं। पहली हो गई थी पूरे साल स्वयं काम में ले, दूसरे पॉइंट में ये कि स्वयं काम में नहीं ले पाए क्योंकि वो दूसरी जगह चला गया, वहाँ रोज़गार करता है या बिजनेस करता है इसलिए वो खाली पड़ी रही। और तीसरा इसका पॉइंट है कुछ अवधि के लिए तो वो रह जाए और कुछ अवधि के लिए उसको किराए पर उठा दे। तो ये तीन पॉइंट हो गए, तीनों सब पॉइंट हो गए और तीसरा मेन पॉइंट हो गया। चौथा मेन पॉइंट, ऐसी मकान संपत्ति जिसका कुछ भाग स्वयं के निवास हेतु प्रयोग किया जाए तथा शेष भाग किराए पर उठा दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मकान का कुछ भाग वो स्वयं रहने के काम में ले और कुछ भाग किराए पर उठा दिया जाए। तो इस तरह से वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए ये चार तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं और चारों में अपन ने पहले पॉइंट के दो सब पॉइंट देखे और इसी तरह से फिर तीसरे पॉइंट के तीन सब पॉइंट देखे। इनको ध्यान में रखते हुए अपन वार्षिक मूल्य का निर्धारण करना शुरू करेंगे। तो अगला जो आपका लेक्चर होगा उसमें अपन वार्षिक मूल्य को निकालना देखेंगे कि ये वार्षिक मूल्य किस तरह से निकाला जाए। तो कल से अपन या जब भी दूसरा लेक्चर होगा तो आप लोग वार्षिक मूल्य का निर्धारण करना सीखेंगे। तब तक आप लोगों से अपेक्षा ये है कि आप मकान संपत्ति से आय शीर्षक की थ्योरी एक बार पूरी थ्योरी पढ़ लें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आपको थ्योरी की रीडिंग लगानी है, एक दो बार आप इसको पूरी को पढ़ जाएं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। थैंक यू।